एक तरफ देश का किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलित है और भाजपा सरकार किसानों की मांगों को लेकर अनसुनी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को किसान का हितैषी बताते हुए रायबरेली के शिवगढ़ में भाजपा नेताओं द्वारा केंद्र प्रभारी पर घटतौलिका का आरोप लगाते हुए उसकी धुनाई कर दी गई। ज्ञात हो कि शिवगढ़ विकासखंड क्षेत्र के कस्बा आवश्यक वस्तु निगम विभाग द्वारा लगाए गए धान क्रय केंद्र पर सही तोल न होने के कारण आक्रोशित कोटवा के किसान पप्पू सिंह व विभागीय लोगों के बीच शनिवार की शाम से ही कहासुनी चल रही थी। किसानों के साथ हो रही घटौली की सूचना जैसे ही भाजपा मंडल अध्यक्ष जीबी सिंह सहित जिला महामंत्री शरद सिंह व भाजपा जिला महामंत्री सरोज गौतम और अन्य भाजपाइयों को प्राप्त हुई, वैसे ही आवश्यक वस्तु निगम के कार्यालय पहुंचकर किसानों के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिस पर केंद्र प्रभारी शुभम प्रजापति व भाजपाइयों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसकी सूचना तत्काल थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार यादव को दी गई। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। केंद्र प्रभारी शुभम प्रजापति का आरोप है कि भाजपाइयों व किसानों ने आकर रजिस्टर फॉर डाला तथा उन्हें मारा पीटा। इधर मंडल अध्यक्ष जीबी सिंह ने बताया कि किसानों के साथ केंद्र प्रभारी द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 40 किलो की बोरी में 45 किलो धान तौल रहे हैं, किसान का शोषण किया जा रहा है। इसकी जानकारी जब केंद्र प्रभारी से मैंने प्राप्त की तो प्रभारी ने बताया कि सरकार करा रही है। देखते ही देखते शाम लगभग 7 बजे तहसीलदार विनोद कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव सहित दर्जनों पुलिस के लोग मौके पर पहुंच गए। मौके पर उपस्थित किसानों व भाजपाइयों का आरोप है कि केंद्र प्रभारी द्वारा बाहरी लोगों, बिचौलियों व आड़तियों का धान तौला जा रहा है, जबकि किसानों को निराश हताश करके भेज दिया जाता है। वहीं क्षेत्रीय किसानों का आरोप है कि शिवगढ़ क्षेत्र में लगे हुए धान क्रय केंद्र किसानों की तौल न करते हुए आड़तियों व बिचौलियों के माध्यम से तौल करा रहे हैं। कुछ प्रभावशाली लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, शासन की मंशा के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष भाजपा जीबी सिंह सहित दर्जनों भाजपाइयों ने भी वर्तमान में घेराव कर रखा है। उधर जीबी सिंह ने बताया कि जब तक शुभम प्रजापति केंद्र प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम विभाग के ऊपर विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक किसान यही डटे रहेंगे। तहसीलदार विनोद कुमार सिंह ने स्थिति को संभाला और बताया कि बातचीत जारी है। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। शुभम प्रजापति, क्या हुआ आज? धान की तौल हो रही। आप SFC केंद्र के प्रभारी हैं, और क्या हुआ धान तौल में? जो घटना हुआ पूरी बताइए सही से। किसान एक बहुत से गाया था बशीर दत्त शुक्ला, क्या हुआ? बोले बोले बोल दे, आपकी बात हम कहेंगे ना, बोले तो कोई मारपीट हुई क्या आप साथ? किसने मारा? हमें नहीं पता। अच्छा, वो कार्यकर्ताओं ने मारा? ज़्यादा मारा तो कोई गड़बड़ी पाई गई क्या जांच में? अब जो है सामने है, जो आरोप लग रहे हैं कि आप घटतौली करते हैं, क्या सही? अरे जिले के अधिकारी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप साथ मारपीट की गई? जी, धन्यवाद। लेकिन अपराध प्रशासन ने यहाँ था सर, यहाँ से गिराया गया, यहाँ आ गए, उसमें दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर उड़ गए, कौन ले गया? अपना हम आरोप किसी पूछा नहीं, कोई ले गया सर? मैं बता रहा हूँ, उनके लेबर अंदर ले गए, बुला लीजिए लेबर, हम बता देंगे कौन ले गया अंदर, बैठो आराम से। अरे खुद बताइए उनका काम है, हम बताओ बस, अंदर ले गए हम सब ठीक है। उनके प्रॉब्लम यही है, अरे इतना बड़ा इनका दुस्साहस था कि जिस कांटे पे वो बोरी रखी हुई थी तौला जा रहा था, जिसमें मिट्टी नहीं थी, जब सीओ साहब आ गए, इस समय शरद जी नहीं थे, हम सरोज जी सब लोग थे, तो ये हुआ कि इसको ऐसे ही सेम पोजीशन में रखा रहे, जब सक्षम अधिकारी आएंगे उनको दिखाया जाएगा, अवगत कराया जाएगा कि मिट्टी भरा धान तौला जा रहा है, इसका वजन इतना है। तो हम लोगों के बैठे बैठे ही कांटा बोरी सब अंदर चला गया, अंदर चला गया, ये इतना बड़ा बताइए, वो लेबर गया, पूछे क्या भाई साहब ने उसको भेजा? हम लोग लिख रहे हैं प्रदेश, हां बिल्कुल, कुछ नहीं।
एक एक तुम्हारी वीडियो बयान तुम्हारे सब है, सब ऐसा नहीं है, दादा सब है पूरा टोटल। यार प्लानिंग चल रही है, कुछ नहीं स्टार्टिंग ये नहीं कहा करियो। किसान नाराज ही जाए, रात होने से पहले जिला प्रबंधक को बुला लीजिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आप उस पर भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा तो पार करता है, कोई जाएगा नहीं आप पूरी रात, फोन कर देंगे अगर सोच रहे हो देर हो रही तो कोई चला जाए, उसका पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नंबर सब कुछ है, नहीं लिखो लिखो 94156 लिखो भैया 94156 जिला प्रबंधक जिला विपणन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी है ना, जिला प्रबंधक विपणन अधिकारी।